चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मिशन हायाबुसा 2। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, मिशन हायाबुसा 2 क्या है और भविष्य में इससे मिले नमूनों से क्या मदद मिलेगी। अंत में इससे संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे, यह चर्चा में क्यों है। जापान का हायाबुसा 2 कैप्सूल धरती के करीबी एस्ट्रॉइड रियुगु से सैंपल लेकर लौट चुका है। जापान की स्पेस एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने इसके ऑस्ट्रेलिया में सफल लैंडिंग की जानकारी दी है। मिशन हायाबुसा 2 क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने रियुगु से जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नमूने एकत्रित करने के लिए दिसंबर 2014 में यह अभियान लॉन्च किया था। यह 2018 में रियुगु पर पहुंचा। स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रॉइड रियुगु की सतह पर सफल लैंडिंग के पश्चात 2019 में सैंपल इकट्ठा किए। इसमें इंपैक्टर की फायरिंग कर एस्ट्रॉइड रियुगु की सतह पर धूल उड़ाई गई और धूल के नमूने कैप्सूल में जमा किए गए। हायाबुसा 2 कैप्सूल पहली बार किसी एस्ट्रॉइड के अंदरूनी हिस्से से चट्टानी सैंपल लेने वाला मिशन बना है। धरती से करीब 2.20 लाख किलोमीटर दूरी पर हायाबुसा 2 से कैप्सूल अलग हुआ और उसके बाद धरती की तरफ अपनी यात्रा खुद की। हायाबुसा 2 अगले 10 सालों के लिए दो अन्य एस्टेरॉयड की यात्रा पर रहेगा। अपने पहले एस्ट्रॉइड पर जुलाई 2026 में पहुंचेगा। इस एस्ट्रॉइड का नाम है 2001 CC21। हायाबुसा 2 इसके बाद जुलाई 2031 में एस्टेरॉइड 1998 KY26 तक पहुंचेगा। भविष्य में नमूनों से क्या मदद मिलेगी? भविष्य में होने वाली अध्ययन के लिए इससे जितने भी धूल हमें मिलेगी उसमें से आधी जापान और अमेरिका रखेगा, उसके बाद बाकी का हिस्सा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को रिसर्च के लिए दिया जाएगा। वैज्ञानिकों को रियुगु की मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल का एनालिसिस करना है। इसकी मदद से धरती पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब खोजने हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एस्टेरॉयड की सतह से लिए गए सैंपल में मूल्यवान डेटा मिल सकता है। आज का प्रश्न है, मिशन हायाबुसा 2 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, 2014 में यह अभियान लॉन्च किया गया था। कथन दो, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड रियुगु से संबंधित है। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।